देश का पहला एंड्रॉयड इलेक्ट्रिक स्कूटर मोबाइल से भी जल्दी होता है चार्ज। चाहे ओकिनावा हो या लैम्ब्रेटा, 2019 में सभी कंपनियां इलेक्ट्रिक स्कूटरों पर फोकस कर रही हैं। वो वक्त दूर नहीं जब शहरों में स्कूटर हो या कार सभी बिजली से चलते दिखाई देंगे। वहीं इनकी सबसे बड़ी समस्या है चार्जिंग। एक कंपनी ने ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए हैं जो एक मोबाइल से कम वक्त में 80% तक चार्ज हो जाएंगे। वहीं इन स्कूटरों में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और बैक गियर जैसी खास सुविधाएं दी गई हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 16 लोगों की एक स्टार्टअप कंपनी अथर एनर्जी ने तैयार किया है और इसे पूरी तरह से देश में ही तैयार किया गया है। कंपनी ने दो स्कूटर अथर S340 और S450 लॉन्च किए हैं। इन स्कूटरों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मोबाइल से भी जल्दी ये चार्ज हो जाते हैं। कंपनी का दावा है कि मात्र 50 मिनट में इनकी बैटरी 80% तक चार्ज हो जाती है। कंपनी ने अपने स्कूटर में 2.4 किलोवाट आवर्स की लिथियम आयन बैटरी दी है जिसकी लाइफ 50,000 किमी तक है। इसकी बैटरी IP67 से अप्रूव है जिसके चलते यह न केवल वाटर रेजिस्टेंट है बल्कि धूल से भी सुरक्षित है। कंपनी का दावा है कि इसका स्कूटर फुल चार्जिंग पर 75 किमी का माइलेज दे देता है और मात्र 3.9 सेकेंड में 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है। वहीं इसकी टॉप स्पीड 80 किमी तक है। कंपनी का कहना है कि इस स्कूटर में इको मोड भी दिया गया है। कंपनी का दावा है कि इंडियन ड्राइव साइकिल रेंज के हिसाब से 107 किमी की दूरी तय कर सकता है।